नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के ह्यूमन ज्योग्राफी के दूसरे लेक्चर के लिए उपस्थित हुए हैं और इसका जो टॉपिक है वो है एम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के क्या उद्देश्य हैं। जैसे कि पार्ट वन में हमने देखा कि मीनिंग और डेफिनेशन जो मानव भूगोल की थी उसके बारे में विस्तार से हमने एक एक भूगोलवेत्ताओं द्वारा जो मानव भूगोल की परिभाषा दी उसके बारे में अध्ययन किया। हमको कुछ डेफिनेशंस उसमें से याद रखनी पड़ेंगी और मीनिंग और डेफिनेशंस का क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इसी से आगे बढ़ते हुए अब हम मानव भूगोल के उद्देश्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ हम विशेष रूप से एक बात को दिमाग में बैठा लें कि मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव की प्रगति सकारात्मक दिशा में हो, ये रहता है। और मानव भूगोल के उद्देश्य को यदि हम शब्दों में ढालने की कोशिश करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि मानव भूगोल का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या का और उनके वातावरणों के संसाधनों के प्रयोग से किए गए स्थानिक संगठनों का अध्ययन किसके संदर्भ में होता है, मानव की प्रगति और मानव की सुख समृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। तो मुख्य उद्देश्य जो है वो मानव प्रगति और मानव की समृद्धि ही मानव भूगोल का मूल उद्देश्य है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग वातावरणीय सहयोगों से एनवायरमेंटल सेट्स जो तैयार होते हैं प्रदेश के, उन प्रदेशों में मानवीय शारीरिक लक्षणों की वर्णता की इकाइयों के वितरण, मतलब अलग अलग शारीरिक लक्षण और उनकी एंथोजोग्राफी जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इसके अंतर्गत उद्देश्य के अंदर सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, जनसंख्या के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें घनत्व, आयु वर्ग और उनके जो माइग्रेशन होते हैं और वो माइग्रेशन किस वेलोसिटी से हो रहे हैं, किस दिशा में हो रहे हैं, इसके बारे में जानना। इसके अलावा मानवीय वर्गों की सामाजिक जो संरचनाएँ हैं उसकी जानकारी प्राप्त करना, ये मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है या इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा उनके जो संसाधन उपयोग करते हैं मानव जो वर्ग जो हैं डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों में जो संसाधनों का उपयोग करते हैं उससे उनके जो व्यवसायों की आर्थिक संरचना है उसके बारे में भी अध्ययन मानव भूगोल का उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उनके उद्योगों के जो आकार हैं, साइजेस हैं, लार्ज है, मीडियम है, लघु कुटीर उद्योग है, उनका क्या एक्सटेंशन है, उनकी क्या प्रवृत्तियाँ रही है, टेंडेंसी क्या रही है, इन चीज़ों का भी अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उनके जो परिवहन है, उनके संचार साधन हैं, जो अलग अलग सेट्स अपने को ऑल ओवर वर्ल्ड जो एनवायरमेंटल सेट्स मिल रहे हैं उसके अंदर, इन सभी चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उन प्रदेशों की जो सेटलमेंट्स हैं, मानव बस्तियाँ हैं, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका पैटर्न क्या है, उनका स्वरूप क्या है, नगरीय है या ग्रामीण है। इसके अलावा उनकी निर्माण सामग्री के विषय में जानकारी, उनके भोजन वस्त्र आदि की जानकारी प्राप्त करना या उनके बारे में डिस्कशन करना या उनके बारे में लिखना, उनके बारे में बताना, ये उद्देश्य मानव भूगोल के भूगोलवेत्ताओं का प्रमुख रूप से रहता है। तो इन सभी के जो मिले जुले प्रभाव होते हैं और जो स्वरूप होते हैं उनसे वहाँ के एक क्षेत्रीय भूदृश्य निर्मित होता है, कल्चरल लैंडस्केप जिसको कहते हैं। ये मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों के कारण इन सब बिंदुओं को यदि हम सम्मिलित रूप से देखें तो एक कल्चरल लैंडस्केप डेवलप होता है, सांस्कृतिक वातावरण की उत्पत्ति होती है, उसका अध्ययन करना मानव भूगोल का उद्देश्य है। अब यहाँ पे दो बातें आती है, मानव पारिस्थितिकी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे इसमें अंतर हमको विशेष रूप से क्या है वो पता होना चाहिए।
तो इसके अंतर्गत यदि अंतर की हम बात करें तो ह्यूमन इकोलॉजी जो है वो प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं का मानव के जीवन पर और उसकी क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की हमको जानकारी उपलब्ध कराता है। लेकिन मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण ही नहीं वरन सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, उनके तथ्य और प्रक्रियाओं के प्रभावों का तथा मानव द्वारा उनमें परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव भूगोल ह्यूमन इकोलॉजी से थोड़ा विस्तृत रूप है, डेप्थ तक उसके अंदर और जाया जाता है। केवल पर्यावरणीय प्रभाव ही मानव का जो है या मानव के क्रियाकलापों पर पर्यावरण का प्रभाव, केवल इसी बात का अध्ययन नहीं करके वो उसकी गहराई तक इसके अंतर्गत जाता है, विस्तृत रूप है ह्यूमन इकोलॉजी का, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी प्रकार से यदि दूसरा उदाहरण में अंतर के रूप में देखें तो वो ये है कि मानव पारिस्थितिकी में केवल एक मानव का अध्ययन किया जाता है या उससे संबंधित व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, लेकिन मानव भूगोल के अंदर किसी व्यक्तिगत मानव का नहीं वरन मानव वर्ग या समूह का अध्ययन होता है। तो ये दोनों जो डिफरेंस है वो मानव पारिस्थितिकी और मानव भूगोल में मूल रूप से है। तो मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी मानव समूह हो वो अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण में किस प्रकार संघर्ष करता है, वातावरण का किस प्रकार से प्रयोग करता है और वातावरण में क्या क्या चेंजेज लाता है, ये जो सारे कार्य हैं इनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करना उद्देश्य है। इस मानव समूह के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के वातावरण संयोजन कहलाते हैं। तो ये एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं वो ये होता है कि किस प्रकार से वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं और क्षेत्रीय संगठन डेवलप करते हैं। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उद्देश्य के अंतर्गत कि त्रिक संतुलन। त्रिक संतुलन की जहाँ तक हम बात करते हैं, ट्रायडिक बैलेंस क्या होता है? ट्रायडिक बैलेंस का मतलब इसमें केवल ये बताया गया है कि मानव वातावरण के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, कार्यात्मक संबंध इनके बीच में होता है। इसका मतलब मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण का विश्लेषण, उनके पारस्परिक क्रियाशील जो संबंध होते हैं उन संबंधों का अलग अलग प्रदेशों में अध्ययन किया जाता है, ये त्रिक संतुलन का अर्थ है। इसी थॉट को जो है आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अभी मैं आपको उसको बताता हूँ। उसके द्वारा जो व्यक्ति है उसमें मानव वर्ग की स्थिति केंद्र में है, मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर और कार्यों में अनुकूलन करता है, उसके पश्चात वातावरण में आवश्यकता अनुसार चेंजेज करता है, परिवर्तन करता है, उसके साथ समायोजन भी स्थापित करता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश में निवास करने वाला हर मनुष्य वर्ग उसमें पारिस्थितिक संयोजन करता है। तो ये एक बेसिक बात बताइए, मनुष्य एक भौगोलिक तत्व तो है लेकिन वह वातावरण का अंग नहीं है, और मनुष्य की जो लोकेशन है या स्थिति है मानव भूगोल के अंदर वो केंद्रीय है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि मानव की केंद्रीय स्थिति किस प्रकार से है। ये एक डायग्राम दिया है ट्रायडिक बैलेंस और एरिया ऑर्गेनाइजेशंस का, इसके अंदर बताया गया है कि प्राकृतिक वातावरण और प्रादेशिक समायोजन और व्यवस्थापन जो ऑर्गेनाइजेशंस एरिया की डिफरेंट अलग अलग बनती है। तो मानव की सेंटर पोजीशन जो है इस डायरेक्शन से होती है कि कैसे प्राकृतिक वातावरण से सहयोग करके या उसमें संघर्ष करके अपने अनुकूल बनाता है, अनुकूलन उसके बाद में परिवर्तन, फिर वो समायोजन करता है। तो अनुकूलन करके वो एक विशेष प्रकार का सांस्कृतिक पर्यावरण या वातावरण स्थापित कर देता है और अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रादेशिक समायोजन की स्थिति हमको ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिलती है। तो ये उसका अर्थ है। और इसी प्रकार से मानव अपने प्राकृतिक दृश्यों का प्रयोग करके उनसे सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण दोनों के साथ ही मानव पारिस्थितिक समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट ये कहलाता है। इस पारिस्थितिक संयोजन को वातावरण समायोजन भी
कहते हैं, कि जो अपने इकोलॉजी से वो समायोजन करता है, इसको एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों की पारिस्थितिक समायोजन और क्षेत्र के संगठन का अध्ययन ही मानव भूगोल का मूल उद्देश्य है, कि डिफरेंट प्रकार के पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में जो परिस्थितियां हैं उससे मानव ने जो समायोजन किया और क्षेत्रीय संगठन जो डेवलप हुए उनका ही अध्ययन मानव भूगोल का मूल उद्देश्य है। यहाँ एक टर्मिनोलॉजी और यूज़ में आती है, वो मानव भूगोल का काल पक्ष आता है, टेम्पोरल आस्पेक्ट्स। तो टेम्पोरल आस्पेक्ट क्या है कि डिफरेंट जो भी मानव समुदाय इस अर्थ के ऊपर हैं वो अलग अलग प्रदेशों में वातावरण से समायोजित होते हैं, समायोजन करते हैं, लेकिन उनमें समय के साथ साथ चेंजेज आते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो वो जो परिवर्तन के कारण क्षेत्रीय संगठन का विकास होता है, परिवर्तन के साथ साथ विकास होता है, तो मानव भूगोल में तथ्यों का विकास का अध्ययन होता है। यह मानव भूगोल, यह अध्ययन मानव भूगोल का काल पक्ष है। मीन्स जो भी जितने भी समुदाय कम्युनिटीज़ हैं, ह्यूमन कम्युनिटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्थ के ऊपर, उनमें समय के साथ साथ परिवर्तन और परिवर्तन के साथ साथ विकास और एक विशेष प्रकार के क्षेत्रीय संगठनों का डेवलपमेंट वहाँ पे होता है। तो उस चीज़ का अध्ययन करना, विकास के तथ्यों का अध्ययन करना, ये सभी मानव भूगोल के काल पक्ष के रूप में कहलाते हैं। इनका अध्ययन करना भी मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। तो संक्षेप में यदि हम उद्देश्यों का बात करते हैं मानव भूगोल की, तो मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य जो है उसको, या इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से नेचर, स्कोप, ये वो। तो पहला जो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको डेफिनेशंस के अंदर ये सब चीज़ें इनबिल्ट मिलेगी। तो डेफिनेशंस को समझने से आप धीरे धीरे जो भी है, स्कोप है, चाहे वो इम्पोर्टेंस है, चाहे वो नेचर है, चाहे मेथड है, चाहे उसके सिद्धांत है, वो सभी चीज़ें उसमें इनबिल्ट है, उन्हीं में से वो निकलेगी, कोई अलग से इसका चेंजेज उसमें नहीं आ रहा। तो कई बार आपको लगेगा ऐसा कि ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे संक्षेप में मैं आपको बता दूँ कि मानव भूगोल के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर वन हम कह सकते हैं वातावरण का अध्ययन करना, जिसमें मानव, जिसने मानव को उत्पन्न किया, कि मानव जिस वातावरण में पैदा हुआ उसका अध्ययन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार से कि वातावरण का दास है मानव, इस बात का कि मानव के जो क्रियाकलाप हैं वो प्रकृति के अनुकूल होंगे, इस बात का अध्ययन अपन ने देखा था रेड जेल की शिष्या और रेड जेल, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से मानव प्रकृति का दास है, उनकी डेफिनेशंस में ये वाली बात थी, डेफिनेशंस में हमने देखा था। तो उसका स्टडी करना भी मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार से मानव वर्गों के सामने जो अलग अलग क्षेत्रों में या नेशनल या इंटरनेशनल, जो भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कठिनाइयाँ आती है उनका अध्ययन करना और उनके सॉल्यूशंस निकालना, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है मानव भूगोल के उद्देश्य के अंतर्गत, इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। इसी प्रकार से भौतिक पर्यावरण के जो तत्व है उसमें से सेलेक्शन की जो संभावना होती है, कि छांट की संभावना जो होती है, उसका उपयोग करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में मानव वर्गों द्वारा निर्मित जो डिफरेंट प्रकार के वातावरण होते हैं उनका अध्ययन, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु की हम बात करते हैं, तो यूरोप के लोग जाके अमेरिका के अंदर पश्चिमी कैलिफोर्निया में वहाँ पे भूमध्य सागरीय आसपास क्षेत्रों के अंदर जाके, तो वो एक प्रकार की जलवायु उन्होंने छांट ली कि ये जलवायु जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये प्रोडक्शन हो सकता है, इन फलों का उत्पादन किया जा सकता है, तो वहाँ से वहाँ जाके उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम उसके अंदर जब भी भूमध्य सागरीय जलवायु या किसी भी ऐसी चीज़ की करेंगे, उनकी प्रोडक्शन क्या है, तो उनकी समानता देखते हुए उसकी स्टडी करना, ये भी मानव भूगोल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम ले सकते हैं प्रकृति पर मानव के आंशिक विजय। एक भ्रम मनुष्य पाले रखता है कि उसने प्रकृति पर ये विजय प्राप्त कर ली, तो ऐसी उसकी भ्रम की अध्ययन करना, जो आंशिक कभी भी खत्म हो सकता है प्रकृति के द्वारा, उसका अध्ययन करना भी उसके द्वारा जो भूदृश्य उत्पन्न हुए अलग अलग, चाहे वो पर्वतों को काट के उसने मैदान बना के वहाँ पे इंडस्ट्रीज उत्पादित कर दी, नदियों के ऊपर मकान बना दिए, तो ये सेटलमेंट्स वगैरह जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसका अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, उद्देश्य के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार के सांस्कृतिक जो वातावरण है उसका मानव पर पड़ने वाले प्रभाव, जो नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं, उनका अध्ययन करना भी मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, वही प्राकृतिक पर्यावरण में मानव द्वारा अपने अनुकूलन किया, उसका परिवर्तन किया और एक स्पेशल टाइप का जो वातावरण उत्पादित किया उसको कहते हैं सांस्कृतिक वातावरण।
उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के उद्देश्य के अंतर्गत लेते हैं। इसी प्रकार से ऐसे वातावरण को ढूंढना, पूरे अर्थ के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसे वातावरण को ढूंढना जो मानव वर्ग को कठिनाइयों से बचाता हो और उस पर जो संकट आए उससे उसको उभार सके, तथा वातावरण के मानव हितैषी जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व है, वो नष्ट नहीं हो, इन चीज़ों का भी अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करा जाता है। तो संक्षेप रूप में हमने डिस्कशन कर लिए कि कौन कौन से उद्देश्य जो हैं या क्या महत्व है, क्या नेचर है, ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी। लास्ट में एक कोटेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस कोटेशन में बताया गया है, ये वाइट जो हैं उनकी डेफिनेशन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ मैन स्पेस एंड रिसोर्सेज, कि ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक कूटनीति है, किसकी, मानव स्पेस और रिसोर्सेज के बीच में, कि किस प्रकार स्पेस का यूज़ मानव करे, अपने रिसोर्सेज का उपयोग किस प्रकार से करे कि हार्मफुल भी नहीं हो और वो मानव के लिए फ्रूटफुल भी रहो। क्यों, क्योंकि मूल उद्देश्य जो है वो मानव की समृद्धि करना है, मानव भूगोल का। तो आज हमने पार्ट टू क्लियर कर लिया है, और प्रथम पार्ट में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन देखी थी, दूसरे में मानव भूगोल के उद्देश्य देखे, और इसी प्रकार से हम आगे नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे उसके अंदर इस चैप्टर को इस प्रकार से करेंगे कि हमको काफ़ी चीज़ें, और अंत के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखेंगे जो इसमें से टेक्निकली पूछे जा सकते हो एग्जाम में आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, उसके बारे में लास्ट में डिस्कशन करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।